लिखो भैया, नेक्स्ट सेटिंग है आपका प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट देखते हैं, बोलोगे कंपाउंड लिखे लाइक लिखा हुआ है बेंजीन विद ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, इसका रिएक्शन कराना है विद एनहाइड्रस AlCl3, देन आफ्टर वॉटर द रिएक्शन। तो यहां पर होगा दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, पहला तो बनेगा आपका इट इज ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एक बनेगा पैरा डेरिवेटिव ओ एच प्लस सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो बताइए इसकी मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, समझ जाओगे? हाँ सर, लेजेंस रिएजमेंट जैसे तो लगे थोड़ा अलग लग रहा है ना, जोड़ा कहाँ से है ये देखो, सब बता दीजिए। साइड से जोड़ा है, वही है मैग्नेट रिक्वायर्ड है। हाँ सर, लिखो इट इज इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट। सर एक मिनट इतना बना दो ना, तो इट इज इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, सो क्रॉस प्रोडक्ट, सो क्रॉस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी फॉर्म, सो क्रॉस प्रोडक्ट मे ऑल्सो बी फॉर्म। लिख लिया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखते हैं क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर दिया हुआ है इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी लोन पेरोक्रिप्टॉन एंड AlCl3 क्या है बोलो, एक लुइस एसिड, एसिड है भैया। एंड व्हाट आउट द फंक्शन ऑफ लुइस एसिड, टू टेक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बोलो, इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आएगा AlCl3 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत सर? आपने इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूलर बोला ना, मॉलिक्यूलर बोला, ये ऋषिकेश ने बोला था। तो बात करें बच्चे अपन लोग, इस वाले बॉन्ड को अपन लोग ऑक्सीजन पे ब्रेक कर देते हैं, इस वाले बॉन्ड को यदि ऑक्सीजन में ब्रेक करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा अपन को, इट इज ऑक्सीजन AlCl3 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ should carry positive charge and that must be a electrophile, बोलो हाँ या ना? Yes sir. अब oxygen जो है it is और तो end para है, ये metal directing group है, ये तो ortho para है और तो end para directing group, तो यहाँ पर substitution होगा और दो product मिलेगी, कौन कौन से, एक तो ऐसे ही ortho पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगी दैट मस्ट बी, लिख दिया ऑक्सीजन AlCl3 नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ आर, बस क्या होगा दूसरा पैरा वाला, इट इज ऑक्सीजन AlCl3 नेगेटिव चार्ज, और ये आएगा C डबल बॉन्ड O R, कोई दिक्कत? अरे बोलो यार। तो बेसिकली बात करें AlCl3 काम क्या था, हाइड्रोलिसिस कराना था, करा दिया हाइड्रोलिसिस,
अब AL CN3 से ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इन दैट केस AL CN3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन विद वाटर करा दी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलाइज, तो क्या होगा ये H प्लस ले लेगा और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट बिकम्स, एक तो होगा आपका OH, C डबल बॉन्ड O, R प्लस इसका पैरा डेरिवेटिव। कोई दिक्कत बोलिए। उस एरो के जो आपने सबसे ऊपर लिखे सर, उस पे AlCl3 को 1 और वाटर को 2 करना पड़ेगा ना फिर तो। किसका? आपने तो सबसे ऊपर लिखे रिएक्शन। अपनी मर्जी से हटा देते हैं सर जरूरत के हिसाब से। सपोज बात करें सब्सट्रेट दिया हुआ, इट इज O, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस OH, सॉरी इट इज O, C डबल बॉन्ड O, ET, यहां पर मैं लगा रहा हूं ET और यहां पे लगा रहा हूं मैं ME, या यहां पे लगा रहा हूं मैं ME। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, बोलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे बता पाओगे? दो। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल कितने हैं? दो, एक C डबल बॉन्ड हो ET, एक C डबल बॉन्ड हो ME, बोलो है ना? हाँ सर। और कितने अपने पास में? एक, दो, तीन, चार। तो इन चार पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो ET लगाएंगे बार और एक C डबल बॉन्ड हो ME लगाएंगे, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एट। चार पोजीशन। कौन से चार बताइए सर एक बार वापस। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, देखो भैया सबसे पहले लिखा है आपका ET, यहां पर क्या आएगा OH, यहां पर क्या आ सकता है C डबल बॉन्ड O, इसको ME लिख दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, पहले क्या आएगा ME, पैरा पे भी आएगा C डबल बॉन्ड O ME, बोलो हाँ है ना? OH C डबल बॉन्ड O ME, और ये लगा एम ई, इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा इसका, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज ओ एच, ये लग गया सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, और एक पैरा पे भी लग जाए एम ई ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, कितने बन गए बोलो? चार। तो ये भी होगा ना? क्या उसको क्या बोलते हैं एंशियमर वाला आइसोमेरिज्म? अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यदि यहां पर ईटी होता तो भी चार प्रोब बनते, कौन कौन से? सी डबल बॉन्ड हो एमई प्लस सी डबल बॉन्ड हो एमई OH, ET, C डबल बॉन्ड O, ET, प्लस C डबल बॉन्ड O, ET,
टोटल कितने बनेंगे, 8 प्रोडक्ट। सर वो नहीं देखा क्या इनेंशियोमर? बेटा इनेंशियोमर कहाँ बनाओगे, इज देयर एनी काइरल कार्बन? अच्छा एसपी 2 है, ठीक है ठीक है। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछूं आप लोगों से, क्या होगा यदि इस इथाइल को मैं यहां पर लगा दूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बताना है और स्क्रीनशॉट लेना है, बस लिखना नहीं है। बोलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 6 छह बनेंगे सर। क्वेश्चन क्या है आपका कि भैया दो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल है, एक और एक दो, हमारे पास में पोजीशन कितनी है? मैंने बोला एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, फोर पोजीशन सिमिलर हो गई आपकी, तीन पोजीशन दो इलेक्ट्रोफाइल मल्टीप्लाई कर दो, डेट बिकम्स कितना होगा? 6 प्रोडक्ट, बोलो है ना? हाँ सर। टोटल बनेंगे 6 प्रोडक्ट। यदि इस वाले मिथाइल को भी यदि मैं यहां पर चेंज कर दूं, यहां पर ले आओ पैरा पोजीशन पे, डेट बिकम्स कितना होगा? 4 प्रोडक्ट। यदि मैंने बोला कि यहां पर एक और मिथाइल लगा दिया, यहां पर ही मिथाइल है और यहां पर ही मिथाइल है, अब बोलो कितने प्रोडक्ट टोटल? 3 4 यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर ही मिथाइल है, तो एक पोजीशन यहां पर और एक पोजीशन यहां पर, कितने बनेंगे टोटल? 2 अच्छा 2 2 अच्छा 8 नीचे है क्या? 2 कितने बनेंगे? 4 ये 2 2 2 2 बनेंगे ना बेटा, दो पोजीशन दो इलेक्ट्रोफाइल, कितना होगा? 4 ही होगा। 4 ना 4 होगा। चलो आगे बढ़े, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं एक मिनट, हो गया सर। तो इसमें टोटल 6 बनेंगे ना? अभी फिलहाल में 6 बनेंगे। पेज नंबर 23 आपको कंप्लीट करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 दिए, एक पेज में हो जाएंगे, ठीक है? पेज नंबर 23 देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल वैसे पढ़ चुके अपन लोग और पढ़ रहे हैं फिर से, तो भैया टेबुलर फॉर्म में लिख दूं? हाँ सर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट लिख दे रहा हूं। जी सर। सर हेडिंग क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल लिख लिया? हाँ सर। बोथ फिनॉल एंड एनिलीन, बोथ फिनॉल एंड एनिलीन आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एस ई रिएक्शन, टुवर्ड्स एस ई रिएक्शन बिकॉज बोथ, because both OH and NH2 group are strong activating, both OH and NH2 group are strong activating group. Highly reactive because both OH and NH2 group are strong activating group. Really clear? And if polar solvent is taken or concentration of electrophile is high, concentration of electrophile is high, if polar solvent, क्या बता सकते हो सर? If polar solvent is taken or concentration of
इलेक्ट्रोफाइल इज हाई देन देन पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव आर ऑल्सो बी फॉर्म देन पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर ऑल्सो बी फॉर्म सर एक बार ये पॉइंट बोल दिया सर जल्दी से कुछ मिस हुआ सर मेरा कहाँ से स्टार्ट कर बोलो सर बस बोल दीजिए कंफर्म करना कुछ बोथ OH एंड NH2 आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप सो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SE रिएक्शन यस सर एंड इफ पोलर सॉल्वेंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेकन यस सर ओनली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बिल्कुल बेंजो क्विनोन ये यही वाला है ना पीसीसी क्या पीसीसी यही वाला है ना Br2Cl2 पाइरीडीन और हो उसमें सर पहले वाले का नाम क्या था पहले वाले रिएक्शन का क्या पहले वाले रिएक्शन का नाम याद नहीं आ रहा ये हाँ सिंपल रिएक्शन है H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा सल्फोनेशन कराना है दैट मस्ट बी अ प्रिंसिपल रिएक्शन एक बनाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव और एक बनाएगा पैरा बोलो हा है ना हाँ सर ये हो गया OH ये हो गया SO3H बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है That's why it is major in amount. बोलो हाँ है ना? But यदि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दिया, in that case intramolecular hydrogen break हो जाएगा, और यहाँ पर जो main product होगा, that must be OH, SO3H, that is in major amount. प्लस ऑर्थो डेरिवेटिव यदि इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूट HNO3 से करा दिया तो यहां पर एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और एक पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा अमंग देम ये मेजर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट यदि मैंने बोला कि HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर ले लिया इन एक्सेस अमाउंट तो यहां पर बनेगा बोलो क्या बनेगा OH NO2 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 दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट TNF या फिर पिक्रिक एसिड हाँ सर प्लस हो सकता है नाइट्रिक एसिड फिनोल को ऑक्सीडाइज कर दे बना दे पैरा बेंजो क्विनोन एंड दैट मस्ट बी ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बट दिक्कत इसमें होती कि ये बनने का इसका जो यील्ड रहेगा वो पुअर हो जाएगा इन दैट केस हमें पहले सल्फोनेशन कराना चाहिए दैट इज H2SO4 यहां पर लिख दिया एक्सेस अमाउंट देन अपन लोगों को नाइट्रेशन कराना चाहिए दैट इज इन एक्सेस अमाउंट इन दैट केस ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा फिनोल का और यहां पर बनेगा OH एंड O2 एंड O2 एंड O2 दैट इज गुड
यील्ड। तो बताओ भैया इस साइड की रिएक्शन लिख ली क्या? नहीं सर, वो CrO3 है क्या? Cr2O सॉरी CrO3 है ऊपर और नीचे दिया CrO2Cl2। कुछ और बची कुछ रिएक्शंस क्या होगा यदि रिएक्शन सोडियम से करा दो? बोलो क्या होगा? इसका रिएक्शन यदि CH3Cl से करा दिया दैट बिकम्स Sn2। नेम द रिएक्शन इज व्हाट? विलियम विलियमसन इधर से सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? एनिसोल। क्या ये NaHCO3 से रिएक्ट कर लेता है? हाँ तो आंसर इज नो। ये तीसरी या चौथी बार बताया है फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल की प्रॉपर्टी में लिखाया भी इस बार NaOH से रिएक्ट कराऊंगा तो बोलो करेगा रिएक्शन नहीं करेगा? करेगा ना। नॉन इज मोर एसिडिक देन वाटर इसलिए इसे रिएक्ट करेगा, ये वाटर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड से क्या होता है? लेस एसिडिक होता है। इन दैट केस क्या होगा? कार्बोनिक एसिड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो यहां पर बनेगा इट इज PHO ऑक्साइड। यदि रिएक्शन मैंने करा दी यहां पे इट इज ETCl से अगेन SN2 रिएक्शन विलियम सिंथेसिस नाम होगा इट इज PHO ET बन जाएगा आपका दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? फिनेटॉल। क्या बोलते इसको हम लोग? फिनेटॉल। यदि इसका रिएक्शन मैंने कराया है पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल से इन प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कली तो यहां से सी एल और यहां से एच चला जाएगा दैट गिव पी एच सी डबल बॉन्ड ओ O pH that must be known as what? अभी पढ़ी थी रिएक्शन सॉर्टन वॉमन रिएक्शन। और यदि बात करें बच्चे अपन लोग एच सी एच ओ एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम तो ये देता है बेकेलाइट और रिएक्शन यदि इसका रिएक्शन करा दे पीएच एन टू सी एल दैट इज बेंजीन डाइएथिलीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम जो वेरी करेगा फ्रॉम 8 to 10 यहां पर बनेगा ओ एच बेंजीन इसकी पैरा पर डाई एजो ग्रुप लग जाएगा एंड दैट इज नोन एज व्हाट? ऑरेंज एजो डाई एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज बोलो क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। ये इसको कहां पढ़ेंगे? इसको आप लोग अमाइन में पढ़ेंगे। सर जी ये रिएक्शन राइट साइड में नहीं आए तो कर रहे हैं कि वो राइट साइड में लिखना है? लेफ्ट में लिखा तो भी चलेगा ना? ये भी लिखो यार रिएक्शन। हां भाई सर कल के लेक्चर में मुझे एक चीज समझ में मतलब बेसाइड के बाद वो पर CCl3 प्लस KOH या फिर CCl4 प्लस NaOH ये देगा हमें क्या? सैलिसिलिक एसिड। और ऊपर वाला देगा हमें सैलिसिलाइड। नेम ऑफ द रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन।
रीमर टीमेन रिएक्शन। यदि मैंने रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कली से ही यूज किए, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? कोलवेज। कोलवेज कोलवेज सीमेंट SCHIMDT ये भी देगा हम लोग को। आपने पढ़ाया था सैलिसिलिक एसिड? अच्छा आप बताइए पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? शायद पढ़ाया। पढ़ाया था? नहीं सर। नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं पढ़ाया। पक्का सर? आपने रीमन टीमन नहीं पढ़ा था ना सर? कोलबेस टीमेट भी नहीं पढ़ा था? रीमन टीमन पढ़ाया था। आपने बस लिखवाया था। हाँ बोले थे अभी बाकी है। रिएक्शन करा दिया आर एच ना सर से हीट कर दिया क्या बनेगा सर? वो आर एच होना चाहिए ना? आर एच सर। हाँ आर एच सर। पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच रिएक्शन करा दिया सी एच टू एन टू डेट इज डाइएजोमीथेन ये बनाएगा पी एच ओ CS3। बस काफी है रिएक्शन। सर लेफ्ट वाला रिएक्शन कराओ BR2 वाटर याद आया कुछ? ब्रोमीन वाटर क्या होता है? सबसे खतरनाक चीज नहीं पड़ता है क्या मिलता है बोलो? Tribromo substituted. It is 2,4,6. Tribromo. Phenol. तो यदि मैंने यहाँ पर SO3H लगा दिया, तो बताइए क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? तो SO3 को हटा सकता है आपका ये सब्सटेंस. That must be क्या होगा? IPSO reaction? हाँ सर. हाँ सर. All ortho and para position इसको required होती है. यदि यहाँ पर सी एस टी लगा दो तो सी एस टी को नहीं आता, क्योंकि सी एस टी आईपीएसओ में नहीं आता आपका, है ना? तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग क्या होगा यदि फर्दर ऑक्सीडेशन यूजिंग ब्रोमीन वाटर करा दिया, तो यहाँ पर होगा होगा एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, इट इज बी आर, बी आर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ बी आर, बी आर, इसको आप याद रखेंगे। बट यदि मैंने ब्रोमीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर ब्रोमीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराया, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगी, एक बार बनेगा और दो एक बार बनेगा पैरा, जो कि क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है awesome. पंचायत की देखो नया पेज नई हेडिंग कार्बीन, इसको कैसे भूल गए कार्बीन, ये लिख दिया एक्स कुछ भी हो सकता है, ये हो गया कार्बन विद लोन पेयर, इट इज वाई सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो हाय ना सर, इसमें एक्स हैलोजन नहीं है? नहीं बेटा
वाई क्या होगा फिर? एट्रियम? नहीं सर। चलिए तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, कुछ नाम देख लेते कार्बिन के। लिखा हुआ कैटेगरी CH2। फॉर्मूला फॉलो कर रहा है आपका किसका? इथीन का या एथाइलीन का? क्या होता है C2H4? क्या होता है? इट इज एथाइलीन। C3H6 क्या होता है? प्रोपाइलीन। हाँ सर। तो CH2 क्या होगा? मिथाइलीन। मिथाइलीन। जल्दी जल्दी लिख दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? मिथाइलीन। और चाहो तो कार्बिन लिखना या ना लिखना, दोनों बात एक ही होते हैं। मिथाइलीन अभी तक कार्बिन ही होता है। CCl2 लोन पेयर, बोलो क्या होगा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्या है मतलब? कार्बिन क्या हुआ है? CH CH3 क्या होगा? इट इज मिथाइल कार्बिन। यस सर, मिथाइल कार्बिन। यहां पर लिखा है CH3 सी डबल बॉन्ड हो, दैट इज एसाइल, और ये लगा दिया CH, क्या होगा नाम? इट इज एसाइल कार्बिन। नेक्स्ट लिखा है फिनाइल, ये हो गया CH लोन पेयर, क्या नाम होगा बोलो? फिनाइल कार्बिन। ये लिखा है CH3 लोन पेयर, नाम क्या होगा? डाई डाइमिथाइल कार्बिन। मिथाइल कार्बिन। लिख लिए। चलो देखो टाइप्स ऑफ कार्बिन। यस सर, डिफरेंस फॉर्म में लेके चलेगा। एक होता है सिंगलेट कार्बिन, दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन एक सिंगलेट होगा, एक ट्रिपलेट, और ये कर दो डिवाइड। पहले एक काम करता हूं, मैं जितना नॉलेज दे सकता हूं उतना दे दे रहा हूं समझाने के लिए, जरा अपन लोग लिख लेंगे इसको। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कार्बिन का, जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखा तो जाना कि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट था और दो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे जो किसी अनदर हाइड्रोजन या क्लोरीन वगैरह से बॉन्ड बना रहे थे। इन दैट केस इट इज लोन पेयर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पे कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन। कार्बिन पे दो बॉन्ड बना दिए, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। अरे बोलो हाँ है ना? ये हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा प्लस लोन पेयर, दैट मस्ट बी 3 मतलब क्या होगा? इट इज sp 2 हाइब्रिडाइज। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। एंड व्हाट इज दिस? इट इज व्हाट? पेकेंट पी ऑर्बिटल। यस सर, पेकेंट पी ऑर्बिटल। So what about its geometry? It is a bent geometry having angle around 103 degree. Next बात करें बच्चे अपन लोग यहां पे, यदि इस वाले केस में देखें तो यहां पर एक दो तीन और एक चार इलेक्ट्रॉनों में यहां पर देखें अपन लोग, ये दिया कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे दिया हुआ, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड।
यदि ज्योमेट्री के बेसिस से बात करें तो मैंने बोला इट इज कार्बन, ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दी, शेप बिकम्स होगा आपका लीनियर, क्योंकि मैंने बोला दो नॉन बाउंडेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस ये होगा आपका sp हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने बोला टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर, टोटल लोन पेयर कितने हैं, जीरो लोन पेयर, और टोटल अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक लोक में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे लोक में दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ है ना, यस। तो इज देयर एनी ऑर्बिटल इज वैकेंट इन दिस कार्बन, कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इन दैट केस इट बिकम्स मोर स्टेबल, यदि वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, स्टेबल होता, तो बात करें सॉरी अनस्टेबल होता, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे इसे कंपैरिजन में ये क्या होता है आपका ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग कि यदि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता दैट मस्ट बी नोन एज फ्री रेडिकल, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन बी एक्ट एज अ व्हाट, फ्री डाई और रेडिकल, फ्री डाई रेडिकल, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट मे बी ऑल्सो बी पैरा मैग्नेटिक, बोलो हाँ है ना, जबकि यहां पर क्या है ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, इन दैट केस क्या होगा, इट इज डाया मैग्नेटिक, अरे बोलो हाँ है ना, ये बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, बोलो हाँ है ना, समझे क्या, तो अभी तक जितना लिखा हुआ है इसको चाहो तो आप लोग लिख लीजिए, लिखो पहले वाले में टोटल स्पिन कितना होगा, जीरो, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, टोटल स्पिन बोलो कितना होगा, जीरो, टोटल स्पिन मतलब एस बराबर कितना होगा, इट इज प्लस हाफ माइनस हाफ बराबर जीरो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, क्या स्पिन, पहली बार सुन रहे हो क्या, सुना तो है सर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू बोलो, हाँ ये सुना है सर, ये याद नहीं आ रहा, क्या होगा 2s प्लस, ये 2s प्लस होना चाहिए, कितना होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका, इट इज 1, ओके अपन लोग यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं, इन दैट केस टोटल स्पिन s बराबर कितना होगा, इट इज 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, इन दैट केस स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s प्लस 1 बराबर 3 आएगा, बोलो हाँ है ना, इंग्लैंड कार्बन में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाय O2, इसमें इंग्लैंड में, इंग्लैंड में लिखो कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाय O2, ट्रिपलेट में लिखना कैन बी ट्रैप्ड बाय O2, O2 करता क्या है ये, बोलो, फ्री रेडिकल को ट्रैप करता है, इतना फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर, फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर, सर ट्रिपलेट में क्या लिखना था, कैन बी ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखना फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर, अगेन सिंगलेट में लिखना लेस स्टेबल, ब्रैकेट में लिखना वैकेंट पी ऑर्बिटल, लेस स्टेबल
ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैकेंड पी ऑर्बिटल सर, ये दोनों पॉइंट डिस्कस में लिखना कंफ्यूज हो गया। आफ्टर डेड, आफ्टर डेड लिखना, आल्सो बी नोन एज हॉट मिथाइलीन लेस स्टेबल, ब्रैकेट क्या लिखोगे? बैकेंड ऑर्बिटल, आल्सो बी नोन एज हॉट मिथाइलीन, ट्रिपलेट में लिखना, मोर स्टेबल, ब्रैकेट में लिखना, नो बैकेंड ऑर्बिटल, नो बैकेंड ऑर्बिटल, ऑल्सो बी नोन एज कोल्ड मिथाइलीन, ऑल्सो बी नोन एज कोल्ड मिथाइलीन, देख लिया। नेक्स्ट सिंगलेट में लिखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिंगलेट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिंगलेट, CH2 सबसे ज्यादा, CF2 उससे कम, CCl2 उससे भी कम, CBr2 उससे भी कम, एंड CI2 सबसे कम, सिंगलेट में लिखना है। चलो बॉक्स बंद कर दो, एक नोट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंगलेट कार्बिन इज फॉर्म, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंगलेट कार्बिन इज फॉर्म, पहले सिंगलेट बनता है बिकॉज वो क्या होता है, लेस स्टेबल। एक मिनट बस, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंगलेट कार्बिन इज फॉर्म, बॉक्स में नहीं आ सर, ये लिखना नहीं है। हां जी, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, आफ्टर डिफरेंस ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है, नहीं नहीं आपको क्वेश्चन लिखना, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंगलेट कार्बिन इज फॉर्म बट दे कन्वर्ट इटसेल्फ इंटू, बट दे कन्वर्ट इटसेल्फ इंटू ट्रिपलेट कार्बिन फॉर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सर 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 इस फॉर्म्ड के बाद, इस फॉर्म बट दे कन्वर्ट इटसेल्फ इंटू ट्रिपलेट कार्बिन फॉर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, लिख लिए। अरे बोलो, नोट टू, इफ देयर इज अ possibility of, if there is a possibility of back bonding, if there is a possibility of back bonding, bracket with na plus M group, plus M group in singlate carbene, in singlet carbene, then it is more stable than triplet carbene, if there is a possibility of back bonding in singlet carbene, then it is more stable than triplet carbene, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोलते कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी प्रायोरिटी होना चाहिए स्टेबिलाईजेशन के लिए, तो वो तो सिर्फ सिंगलेट में ऑब्जर्व होती है, जनरेशन ऑफ कार्बिन
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, लिखना जनरेशन ऑफ कार्बिन में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस ऑफ और पायरोलिसिस ऑफ एलिफेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड, एलिफेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड और किटीन कंपाउंड क्या है, एलिफेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड और किटीन और क्या है, यहां पर लिखा है CH2N2 दैट इज नोन एज व्हाट, डाइएजो डाइएजोमीथेन। तो भैया यहां पर इसका स्ट्रक्चर यदि बना के देखे तो क्या होगा स्ट्रक्चर, देख बच्चे ने बोला कार्बन है तो हाइड्रोजन लगा तो डबल बॉन्ड होगा, यहां पर नाइट्रोजन है एक और नाइट्रोजन है तो ये वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है डेल्टा, दो बॉन्ड बना रहा, बोलो हाँ है ना। अच्छा तो अभी फिलहाल में ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट क्या है, कंप्लीट है, कुछ अलग कर दे। तो इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इन दैट केस इट बिकम्स न्यूट्रल, बट नाइट्रोजन की जो वैलेंसी रहती है डेट मस्ट क्या होता है आपका, कैन नॉट बी एक्सीड फोर है ना, मैक्सिमम फोर होती है आपकी, इन दैट केस ये जो बॉन्ड रहेगा कार्बन के ऊपर ब्रेक हो जाएगा और बेसिकली ये रेजोनेंस फिनोमेना है, तो यहां पर क्या होगा, इट इज सी एच एन ट्रिपल बॉन्ड शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, शुड कैरी नेगेटिव चार्ज and that becomes a best leaving group, bolo hai na, best leaving group hoga, bolo hai na, yes sir, ye need hai aur basically is sigma bond ko todne ki, yadi aap log kya either sunlight ya fir ultraviolet ya fir kuch nahi mila to garam kar do, bond tootega negative charge leke nikal jayega, is par negative plus positive न्यूट्रल चार्ज आएगा, इन दैट केस सी एच टू बनेगी, दैट इज नोन एज व्हाट, सिंगलेट, और सिंगलेट एनर्जी का इवोल्यूशन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू ट्रिपलेट, और बोलो हाय ना, समझा क्या, ट्रिपलेट में तो दो रहते ना फ्री रेडिकल जवाब बनाया, अरे यार तुम्हें रंगा है ना, मजाक समझ रहे हो यार, अरे दिख नहीं रहता, क्या होगा यदि मैंने इसका रिएक्शन RCH N2 से कराया, बोलो क्या बनेगा, RCH फ्री रेडिकल मतलब कार्बिन, क्या होगा यदि रिएक्शन R C डबल बॉन्ड O सी एच एन टू से कराऊंगा, तो देखा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच दैट इज एसाइल कार्बिन, अरे बोलो सही है क्या, नेक्स्ट दिया है सी एच टू डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, इन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या होता है, कीटोन, 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 कीटोन का इन क्या होगा, कीटोन, कीटोन, तो कीटोन हमेशा ये नहीं होता सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड कैटेगरी है, इट इज ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, उसके अंदर कुछ भी लगा दो यहां तो कीटोन ही कहलाएगा। अब बात करें बच्चे अपन लोग, डू यू नो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन में, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट होता है क्या, कोऑर्डिनेट, अरे कोऑर्डिनेट को यदि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में यदि कन्वर्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव आएगा कारण, बहुत बढ़िया, और कार्बन ऑक्सीजन पे कितना आएगा, बोलो सोच समझ के बोल रहे हो ना, हां सर बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोल रहे हो,
तो भैया इसने बॉन्ड बना दिया, कार्बन ने ये वाला बॉन्ड यहां पर तोड़ दिया, क्या होगा? तो डैट कार्बन बिकम्स नेगेटिव चार्ज, ये होगा कार्बन एक दो तीन, ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट बिकम्स अगेन अ लिविंग ग्रुप, जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, इन दैट केस इट बिकम्स न्यूट्रल चार्ज। हाँ सर। और रिमूवल क्या होगा? माइनस का सी माइनस एक दो तीन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और ये बनेगा सी एच टू, देन एनर्जी इवॉल्व, और ये बन जाएगा ट्रिपलेट। समझे क्या? बोले क्या क्या लिखना है बोर्ड से? 18 तो नहीं लिखा था बिल्कुल, नहीं लिखा था क्या बेटा? बोर्ड से क्या क्या लिखना है? सब कुछ किडनी वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला मिटाइए। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, लिखा हो भैया सी एच सी एल थ्री का रिएक्शन करा रहा हूं ओ एच माइनस से, क्या करेगा इसका फंक्शन? एच टू को बाहर निकाल देगा, एंड दैट केस वो बनेगा सी सी एल टू, और यहां पर एक सी एल जो कि नेगेटिव चार्ज के साथ में निकल जाएगा, क्योंकि ऑल आर सी एल, इन दैट केस क्या होगा कि यहां पर सी सी एल टू बनेगा, कोई दिक्कत? बट यहां पर फ्लोरीन होते, दो फ्लोरीन और एक क्लोरीन, तो ज्यादा कौन, फ्लोरीन क्लोरीन? क्लोरीन। यदि मैं यहां पर लिख देता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो बताओ किसको हटाते इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज? ब्रोमीन। तो बोलने में तो अपन को लगता है कि Br नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, इन दैट केस फ्लोरीन को निकालना चाहिए, बट रियलिटी इज दैट कि यहां पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अभी बैक बॉन्डिंग में ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, अरे बोलो है ना? बट यदि इन दोनों में सिलेक्ट करना है तो इन दोनों में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किसका अच्छा होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन? फ्लोरीन। फ्लोरीन, इन दैट केस सीएल को हटा दिया जाएगा और फ्लोरीन को रोक दिया जाएगा। समझे क्या? तो ये वाली कार्बिन क्या है, आपका सिंगलेट है, एंड दैट इज स्टेबलाइज बाय व्हाट, बैक बॉन्डिंग, दैट इज बाय क्या होगा, ट्रिपलेट पे नहीं जाएगी। लिख लिया? नहीं, ऊपर वाला बचा। राइट। लिख लिया सर? बेस के प्रेजेंट में क्या हो रहा है सर यहाँ पे? क्या अब केवल एच लेके चला गया वो? हाँ जी ठीक है, पहले करा चुका हूँ महाराज, एक लिंक ले लो और एंजॉय करो, ठीक है? इसमें कुछ रिएक्शंस दिए हैं जो आपको कंप्लीट करके आना है, दिख रही है क्या? अरे बोलो, अलग अलग केस, ऐसे बी आर आई में आई को हटा देंगे अपन, ठीक है? तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन की सारी रिएक्शंस हैं जो अपन लोगों ने अभी डिस्कस की है, तो ये सारी रिएक्शंस आपको यदि लिखने का मन करे तो लिख लेना, मेरी तरफ से ही मैं कंप्लीट करा चुका हूँ।